एंड जिस उन जो पोर्स से जो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाए जो सेल है वो उसको अपटेक कर ले डीएनए को या जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है सो इट कैन बी यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू द इंटैक्ट प्लांट सेल्स एंड द प्रोटोप्लास्ट प्लांट मटेरियल एंड द फॉरन डी आर प्लेसड इन अ बफर बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉड्स एंड अ हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास The altering current of about 1 MHz is applied to align the protoplast by dielectrophoresis. Once aligned fusion is induced by applying one or more direct current pulses, then alternating the field is reapplied briefly to maintain the close uh, membrane contact for fusion. Electric field damages the membrane and result in the formation of pores. थ्रू विच द डी एन ए कैन ईजिली एंटर एंड इट कैन इंटीग्रेट इन टू द हॉस्ट सेल जीनो सो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा जो सेल है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करा इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करा सो अ सेल इज़ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एंड उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को अप्लाई करा उसके बाद क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी उसमें होल्स हो जाएंगे होल्स हो जाएंगे तो उन होल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इंसर्जन ऑफ प्रोटीन्स इंटू द सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल सेल फ्यूजन भी हो सकता है सो दीज मे बी द रिज़ल्ट सो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट सेल है प्लांट सेल कि हमने सबसे पहले जो सेल वॉल है उसको रिमूव कर दिया सेल वॉल रिमूव होने के बाद जो हमारे पास प्लांट सेल बचा प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट उस प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया हमने उसको प्लेस कर दिया हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं एंड पावर सप्लाई लगी हुई हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको दिया जिसकी वजह से क्या होगा उसकी मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे होल्स हो जाएंगे पोर्स हो जाएंगे मतलब उसका जो फॉस्फोलिपिड लेयर थी वो रीअरेंज हो जाएगी रीअलाइन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे वहाँ पे पोर्स बन जाएंगे पोर्स बनने की वजह से जो हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उन पोर्स के थ्रू उसके अंदर चला जाएगा सो so, यहाँ पे देखिए जो डीएनए है दैट इज़ इनसाइड द प्लान सेल वो अंदर चला गया है सोल्यूशन से प्लान सेल विद न्यू जीन अब जो प्लान्टल है उसने क्या कर लिया है उस जीन को एक्सेप्ट कर लिया है जो हमारा बाहर से फॉरन जेनेटिक मटेरियल था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सो so यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक करेंट यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक करेंट हम जो यूज़ करते हैं वो हंड्रेड से लेके वन फिफ्टी हंड्रेड से लेके 150 फिफ्टी वोल्ट वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट जो है हम अप्लाई करते हैं फॉर वेरी फ्यू मिली सेकेंड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना फॉर वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए आपको ये करना है सो वट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन सिंपल कन्वीनियंट एंड रैपिड cost effective the transformed cells are at the same physiological state after electroporation efficiency of transformation can be improved by optimizing the electrical field strength and addition of the spermidine 40 to 50% incubated cell receive dna around 50% of transformed cells can survive now what are the limitations of the electroporation under normal conditions the amount of dna delivered into the plant cell is very low efficiency of electroporation is highly variable depending on the plant material and treatment conditions regeneration of plants is not very easy particularly when protoplasts are used if the pulses are of wrong intensity the pores may become very large or even fail to close causing the cell rupture since the transport is non-specific might result in the ion imbalance that might later be toxic to the cells so this is all for today in next lecture we will be studying about the microinjection lipofection and uh, other gene transfer methods so thank you and uh, if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates